हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कंक्रीट का पोर कार्ड किस तरीके से फिल करते हैं। दोस्तों, जब भी कोई कंक्रीटिंग की जाती है तो एक हमें पोर कार्ड फिल करना होता है जिसमें पूरी चेकलिस्ट लिखी होती है कि हमें कौन सा काम करना था। मतलब कि मान लीजिए अगर आप रीइन्फोर्समेंट का काम करवा रहे हैं तो रीइन्फोर्समेंट हमारे पास कितनी है, उसके बार का डाया क्या है, उसका जो स्पेसिंग है वो कितनी है, वो सारी चीजें हमें चेक करनी होती है। तो उसी के बेसिस पे हमारा पोर कार्ड फिल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पोर कार्ड हमारा किस तरीके से फिल किया जाता है। देखिए दोस्तों, आपके सामने एक स्क्रीन पर एक पोर कार्ड नजर आ रहा होगा। ये देखिए, हमने पहले भी एक पोर कार्ड आपको एक बना के दिखाया था कि किस तरीके से आपका जो पोर कार्ड है वो बनता है, बट ये थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है। इसमें दोस्तों सारी चीजें आ जाती हैं कि हमें रीइन्फोर्समेंट में क्या क्या चेक करना होता है, आपका फॉर्मवर्क में क्या क्या चेक करना होता है, और आपका जो कॉन्क्रीटिंग है उसमें क्या चेक करना होता है। देखिए, जब भी आपको कोई भी कॉन्क्रीटिंग करना है तो कॉन्क्रीटिंग करने से पहले आपको यहाँ पर एक इस तरीके से फोर कार्ड यहाँ पर दिख जाएगा। इसमें दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले तो प्रोजेक्ट का नाम डाल देना है, क्लाइंट का नाम डाल देना है, जनरल इंस्पेक्शन डिटेल्स डाल देंगे, और जो आपका प्रोजेक्ट का जो भी नाम है, जहाँ भी उसका एड्रेस वगैरह, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आपका क्लाइंट का नाम आ जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ यहाँ पर उड़ीसा है। नेम ऑफ स्ट्रक्चर आ जाएगा, नेम ऑफ स्ट्रक्चर जैसे कि मान लीजिए आपका कोई स्लैब कास्टिंग हो रही है तो आप वो लिख सकते हैं। एक यहाँ पर सीरियल नंबर जनरेट होगा और यहाँ पर आपका डेट आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इंस्पेक्शन डिटेल की। इंस्पेक्शन डिटेल में दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले हमें रीइन्फोर्समेंट की चेकलिस्ट यहाँ पर देखनी है। मतलब कि पूरे पोर कार्ड में हमें तीन चार चीजें होती है, जैसे कि रीइन्फोर्समेंट है, फॉर्मवर्क है और आपका कॉन्क्रीट का ग्रेड है। इसको हमें चेक करना है। तो पोर कार्ड फिल करने के लिए सबसे पहले हम रीइन्फोर्समेंट का डिपार्टमेंट लेंगे। रीइन्फोर्समेंट हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहले तो कॉलम में हमारा चेक आ जाएगा, रिक्वायर्ड आ जाएगा। उसके बाद चेक्ड बाय, मतलब किसके द्वारा चेक किया है, और चेक हमारा पीएमसी ने भी कर लिया है और क्लाइंट ने भी कर लिया है। ये सारी चीजें हमें यहाँ पर डिटेल में फिल करनी होगी। फिर यहाँ पर आपका रिमार्क आ जाएगा। तो रीइन्फोर्समेंट के कॉलम में सबसे पहले हम बीवीएस देखेंगे, बीवीएस रेफरेंस नंबर। अगर कोई बीवीएस आपको किसी ने बना के दिया तो उसका एक रेफरेंस नंबर होगा, तो अगर रिक्वायरमेंट है तो आप वहां पर इसका नंबर फिल कर सकते हैं। और वो नंबर जो चेक्ड होगा वो आपका कॉन्ट्रेक्टर यहाँ पर आ जाएगा, एमएलसी कॉन्ट्रेक्टर है। फिर जो पीएमसी है और जो क्लाइंट है वो भी चेक करके यहाँ पर अप्रूव कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों डाया ऑफ बार, जैसे 12 का डाया है, 16 का डाया है, तो वो भी सीधा आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और चेक्ड आपका दोनों से यहाँ पर अप्रूव हो जाएगा। नंबर ऑफ बार, नंबर ऑफ बार दोस्तों क्या है, जब भी हम कोई रीइन्फोर्समेंट लगाते हैं तो नंबर ऑफ बार आप लोगों को निकालने होते हैं, तो वही सारी चीजें यहाँ पर चेक भी हो जाएगी। जो आपने नंबर ऑफ बार ड्राइंग से देखकर निकाले हैं वो आपके एक्चुअल साइड पर लगे हैं कि नहीं लगे हैं, वो सारी चीज भी यहाँ पर एक बार चेक हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों स्पेसिंग आती है, स्पेसिंग जो आपका सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दी होती है वो आपका यहाँ पर चेक हो जाएगा। फिर आता है दोस्तों लैप लेंथ। लैप लेंथ जब भी आप किसी कॉलम को, बीम को, स्लैब को जब भी एक सरिये से दूसरे सरिये पे जोड़ते हो तो उसकी लैप लेंथ एग्जैक्ट है कि नहीं है ड्रॉइंग के हिसाब से, तो वो भी आपको चेक करनी है। फिर आपका कवर आ जाता है। कवर आपका स्लैब में ज्यादातर 20 mm का दिया जाता है, अगर आपकी ड्राइंग के अनुसार अगर कुछ और दिया हुआ है तो वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों डोल बार। डोल बार भी आपका जब भी कोई स्लैब डाली जाती है तो वहां पर आपका डोल बार भी डलता है। फिर आपका स्पेसर बार भी डाला जाता है। बाइंडिंग एंड वेल्डिंग भी चेक किया जाएगा कि कोई भी अगर बार है तो वो आपका वेल्ड किया हुआ है या फिर बाइंड किया हुआ है। और क्लीननेस, मतलब कि जब भी आप कोई रिइंफोर्समेंट डाल रहे हैं तो उसमें कितना क्लीननेस है, मतलब कि अच्छे से साफ सफाई वहां पे हो रखी है कि नहीं हो रखी। ऐसा ना हो कि कोई भी अदर पार्टिकल है और आपने डायरेक्ट जाकर उसको देखा नहीं और डायरेक्ट आपने वहां पर कॉन्क्रीटिंग करवा दी, तो क्लीननेस होना बहुत जरूरी है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं फॉर्मवर्क की। रीइन्फोर्समेंट की बात यहाँ पर कंप्लीट हो गई, जैसे जैसे आपको रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चेक किसके द्वारा चेक हुआ है, कॉन्ट्रेक्टर के द्वारा चेक कर लिया या फिर पीएमसी और क्लाइंट के द्वारा चेक कर लिया है। बात करते हैं दोस्तों फॉर्मवर्क की। फॉर्मवर्क आपका बेस स्टेबिलिटी आ जाता है, फिर सपोर्ट है, वर्टिकल है, फॉर्मवर्क का लेवल है, बॉटम लेवल और टॉप लेवल। जब भी आप कोई भी फॉर्मवर्क लगवाते हैं तो ये दोनों लेवल आपको वहां पर चेक करने होते हैं। फिर आपका कटआउट है, कोई भी कटआउट है तो आप उसका पूरा मेजरमेंट वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। इंसर्ट एंड टेम्पलेट्स, कोई भी आपका इंसर्ट और टेम्पलेट्स वगैरह कुछ है तो आप वहां पर चेक कर सकते हैं। फ्रॉम ऑयल एप्लीकेशन, आपको कोई भी फॉर्मवर्क अगर लगा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले जो ऑयल लगाया जाता है उसको आप वहां पर पहले अप्लाई करेंगे, तभी जाकर आप कॉन्क्रीटिंग करेंगे। और ये सारी चीजें भी आप कॉन्ट्रेक्टर या फिर कोई भी पीएमसी क्लाइंट वगैरह उससे चेक करवा सकते हैं। और इसके द्वारा अगर कुछ भी ऊपर नीचे कुछ भी चीज है तो आप रिमार्क में भी इस चीज को लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई भी लैब लेंथ ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, वो आप रिमार्क में भी काउंट कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पे। दोस्तों ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट में क्या होता है, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट में आपका सबसे पहले तो जो आपकी साइट पर जो भी आपकी स्लैब में, फुटिंग में या किसी भी आरसीसी मेंबर में रेशियो डाला जाता है, जैसे M20, M25 का, तो वो आप वहां पर लिख सकते हैं।
इसमें दोस्तों एक क्यूबिक मीटर में जो सीमेंट की रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पर शो कर सकते हैं, सीमेंट का बैच नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं, और जो कॉन्क्रीट आया है उसका कॉन्क्रीट का स्लम कैसा आया है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आपको क्यूब टेस्ट के लिए क्यूब भी कास्ट करने होते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ क्यूब कितने आए हैं, क्वांटिटी ऑफ फोर, मतलब कि जितनी भी आपकी स्लैब पे क्वांटिटी जाएगी, मतलब आपका 3 क्यूबिक मीटर 4 क्यूबिक मीटर वहाँ आप ये फिल कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों सीमेंट सैंड, यहाँ पर आप सारी क्वांटिटी यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आपका कोर्स एग्रीगेट 10 mm का, कोर्स एग्रीगेट 20 mm का, ये भी आप लिख सकते हैं। वाटर एडमिक्सचर, जो भी आपका कॉन्क्रीट बाइंडिंग एजेंट है वो आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों बात आती है कि जब भी हम कॉन्क्रीटिंग करते हैं तो उसका जो डेट और टाइम है वो भी आप लोगों को यहाँ पर लिखना है कि कब से कब तक आपकी कॉन्क्रीटिंग हुई है। जैसे कि आज अगर कॉन्क्रीटिंग हो रही है तो आज डेट है आपका 12/8/2024, तो इसमें आपका कितने टाइम में आपका कॉन्क्रीटिंग हुई है, जैसे कि 2 घंटे में हुई है, 4 घंटे में हुई है, 5 घंटे में हुई है, तो वो आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों बिफोर कॉन्क्रीटिंग, ड्यूरिंग कॉन्क्रीटिंग और पोस्ट कॉन्क्रीटिंग। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी आप कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं, कॉन्क्रीटिंग करने से पहले मान लीजिए कुछ भी चीज़ रह गई है, या फिर आपने डाली नहीं है, या फिर कोई भी मान लीजिए इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग का कुछ भी काम रह गया, तो आप बिफोर कॉन्क्रीटिंग में यहाँ पर लिख सकते हैं। ड्यूरिंग कॉन्क्रीटिंग, ड्यूरिंग कॉन्क्रीटिंग मतलब जब कॉन्क्रीटिंग जा रही है, अगर आपको कुछ ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर आपका वाटर रेशियो ज़्यादा है, सीमेंट का रेशियो यहाँ पर ज़्यादा है, तो वो भी चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। पोस्ट कॉन्क्रीटिंग में दोस्तों जब भी पूरी कॉन्क्रीटिंग हो जाएगी उसके बाद दोस्तों अगर आपको कुछ लगता है कि यहाँ पर वॉइड्स रह गए हैं, यहाँ पर कुछ अदर पार्टिकल यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो वो भी इस चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मतलब कि अगर आपको कुछ गड़बड़ लगती है तो वो उस चीज़ें भी आप यहाँ पर भर सकते हैं, जो कि बाद में जाकर चेक हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों जो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर है और जो आपका वहाँ पर PMC या फिर क्लाइंट वगैरह है, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, पूरा कंफर्मेशन ले सकते हैं कि जो आपका कोर कार्ड बना है या फिर आपकी कॉन्क्रीटिंग वहाँ पर हुई है तो उनके हिसाब से हुई, मतलब कि उनका कॉन्ट्रैक्टर है, उसका सिग्नेचर नाम है और उसका जो डेट है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। और जो PMC या फिर क्लाइंट वगैरह वहाँ पर मौजूद है उसकी देख रेख में अगर कॉन्क्रीटिंग हुई है तो वो आपका सिग्नेचर कर देगा और यहाँ पर नाम डाल देगा और डेट डाल देगा, ठीक है। तो दोनों का अप्रूवल हो जाएगा, इसके बाद हमारा कॉन्क्रीटिंग का काम खत्म। तो इसी तरीके से हमारा फोर कार्ड बनाया जाता है। ये एक अपडेट फोर कार्ड का आपका फॉर्मेट है, इसको हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादातर हमारा कंस्ट्रक्शन कंपनीज में इसको यूज़ किया जाता है। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दोस्तों, रीइंफोर्स का एक सुप्रीम पैकेज है जिसको हम CPL 5 के नाम से जानते थे दोस्तों, वो अपग्रेड हो गया है, जो कि CPL 6 में अपग्रेड हुआ है। और इसमें जो पहले 42 कोर्सेज थे अब ये बढ़कर 45 हो चुके हैं, जैसे कि प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग है और आपका MS Excel है और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो फ्यूचर में भी एड ऑन होने वाले हैं, जिसका प्राइस दोस्तों 17,000 के आसपास था, पर अभी इंडिपेंडेंस डे के मौके पर दोस्तों इस प्राइस को घटाकर 6,999 कर दिया गया है। सो दोस्तों जल्दी से हमारे रीइंफोर्स की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, CPL पैकेज खरीदिए और अपनी नॉलेज को इनहेंस कीजिए। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये लेटेस्ट वर्जन फोर कार्ड का समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जब भी हमें कॉन्क्रीटिंग करनी है तो उसका फोर कार्ड किस तरीके से भरा जाएगा। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।